ऐड करना है एक टेम्परेचर में, अलग अलग स्टेट आपको मिली तो वो स्टेट ही वो है, कास्ट आयरन, पिग आयरन, रॉट आयरन और अलग अलग चीज। सो ये जो रिप्रेजेंटेशन क्यों किया आपने, रिप्रेजेंटेशन आपने इसलिए किया है कि इसके माध्यम से, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम में, इसके हेल्प से हमको जो रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है वो हम अचीव कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात होती है यूनिटेक्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो बेसिकली व्हाट इट इज, दिस इज कॉल्ड अ रिएक्शन, सिंपली वी कैन से रिएक्शंस होती हैं। जैसे आप लोगों ने रिएक्शंस केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, हम H2O को तोड़ते हैं तो हमको हाइड्रोजन के कितने एटम मिलते हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम मिलते हैं, कितनी अमाउंट ऑफ हीट को देते हैं। ओके, सोडियम क्लोराइड को हम तोड़ते हैं, NaCl को, उसको जब NaCl को तोड़ते हैं तो हमको कैसा ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है, किस कंटेंट के फॉर्म में मिलता है, वो मैटर करता है। तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी अपना ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, बट ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ ये मेरा रेफरेंस किसके केस में होगा, उस सॉलिड सॉल्यूशन के केस में होगा जो सॉलिड सॉल्यूशन हमारा व्यू पॉइंट है। इसमें हमने क्या किया, हमने जो भी रिस्पेक्टेड लिक्विड लिया, वी आर यूजिंग अ लिक्विड, जैसा कि आपको बताया है कि जो मोल्टन मेटल होता है आपके पास, वो मोल्टन मेटल ऑलरेडी आपके पास लिक्विड स्टेट में होता है। जब मोल्टन मेटल आपके पास लिक्विड स्टेट में है तो आप उसमें दो प्रोसेस करेंगे, एक उसमें हीटिंग का एडिशन यहाँ पर मैंने कर लिया हीटिंग, और सेकेंड मैंने लिख दिया यहाँ पे कूलिंग। अब मैं लिक्विड को कूल करूंगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, सॉलिड। ये बोला ना कि जब मैं लिक्विड को किसमें कन्वर्ट करूंगा, कूलिंग दूंगा तो वो किसमें कन्वर्ट होगा, सॉलिड में, और जब हीटिंग दूंगा सॉलिड को तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि वी आर गेटिंग अ सॉलिड इन द टू ट्रांसफॉर्मेशन, सॉलिड वन एंड सॉलिड टू। ठीक, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको कैसे मिल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का जो आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो आप ये बोल रहे हैं कि सर सेम बेस लाइन पे यदि मेरा लिक्विड का व्यू पॉइंट, यदि मेरे लिक्विड का व्यू पॉइंट इस प्रकार से है, यदि मेरे लिक्विड का व्यू पॉइंट इस प्रकार से है, तो लिक्विड का व्यू पॉइंट का मतलब देयर आर टू कलर्स, वन इज द ब्लू एंड द सेंटर वन इज ब्लैक। ठीक है, तो यहां पे मैंने जो नीचे लाइन दी है इसको मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और ऊपर वाली को ब्लू से, इसको मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट करा। तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे लिक्विड स्टेट मिलेगी, ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ कंटेंट है वी आर गेटिंग द सॉलिड स्टेट एंड सॉलिड। तो यहाँ पे ये जो सॉलिड होगा ये वन होगा और ये सॉलिड टू होगा। मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊं, एक जनरल लैंग्वेज है समझाने की, मैं सिंपली ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक लिक्विड है, तो देख लो मेरे पास ही लिक्विड है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ब्लू और ये ब्लैक हटा देता हूँ, अब आप समझिए मेरे पास का जो भी रिस्पेक्टेड लिक्विड है, अब जब इस रिस्पेक्टेड लिक्विड को मैं कूल करता हूँ, तो जब इसको मैं कूल करता हूँ तो कूल करने में आप देख रहे हो कि आपको दो ट्रांसफॉर्मेशन या दो अलग अलग टाइप के सॉलिड के स्टेट मिलते हैं या अलग अलग स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो हमने उनको रिप्रेजेंट करा कि हमको ये सॉलिड इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन मिले। ठीक, तो हमने क्या बोला कि जो यूटेटिक रिएक्शन है, ये यूटेटिक रिएक्शन क्या है, मैंने लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ अ फिक्स्ड कंपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिक्स्ड कंपोजिशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो भी लिया है, सपोज करो आपने आयरन लिया है, आपने कॉपर लिया है, आपने निकल लिया है, आपने जिंक लिया है, आपने मैग्नीज लिया है, व्हाटएवर लिया है, ओके, हम कुछ भी लें, तो हम जो भी लेंगे उस पूरे के पूरे कंटेंट को लेते समय वी हैव टू पिक अ कंटेंट हु शुड हैविंग अ फिक्स्ड कंपोजिशन। उसका फिक्स्ड कंपोजिशन होना चाहिए, द कंपोजिशन शुड नॉट बी वेरिएबल, किसी प्रकार से वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो ये भाई, अब जब ये किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई होता है, ठीक, तो यहाँ पर मैंने पहला केस क्या लिखा, पहला केस मेरा ये है कि जो कंपोजिशन है हमारा वो कंपोजिशन क्या होना चाहिए, वो कंपोजिशन मेरा
जो है वो शुड बी फिक्स्ड होना चाहिए. व्हेन इट सॉलिडिफाई एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर, इसका सॉलिडिफिकेशन किस चीज पर रिक्वायरमेंट है, कांस्टेंट टेंपरेचर. अब आप सब बताइए मुझे, अब मैं किसी चीज को यदि सॉलिडिफाई कर रहा हूँ या सुखा रहा हूँ, सपोज करिए अब मैं किसी चीज को सुखा रहा हूँ सॉलिडिफाई कर रहा हूँ और मेरा टेम्परेचर वेरिएबल है, तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताइए. सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, यहाँ शोर हो गया. मेरा ये है कि यदि मैं किसी स्ट्रक्चर को या कंटेंट को सॉलिडिफाई कर रहा हूँ मतलब सुखा रहा हूँ, और यदि वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे सूख रहा है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, और यदि वो वेरिएबल टेम्परेचर पे सूख रहा है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या दोनों स्ट्रक्चर सेम होंगे कि अलग अलग होंगे? सर अलग अलग, क्योंकि टेम्परेचर जो रहता है वो अफेक्ट करता है. यदि आपने कांस्टेंट टेम्परेचर लिया हुआ है तो वो क्या करता है, जब सेटल डाउन होता है तो उसकी जो स्ट्रक्चर होते हैं वो एक के ऊपर लेयर के फॉर्म में रहते हैं, और टेम्परेचर वेरिएबल रहता है तो जो लेयर्स रहती है वो जिगजैग हो जाती है. तो जिगजैग करने से क्या होता है, जो स्ट्रक्चर रहता है उस स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ कम हो जाती है. हम लोग आप लोग से बोलते हैं ना कि यार कोई भी चीज खाना है तो ठंडी करके खाओ, तो ठंडी करने के खाने से मतलब क्या होता है, बेसिकली वो जो चीज रहती है उसकी वो स्ट्रेंथ आपको मिलती है, गर्म करने में वो स्ट्रेंथ नहीं मिलती है, स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता है. मटेरियल के केस में अलग होता है ना, खाने से उसको कोरिलेशन नहीं है. मैं तो एक्चुअली मैं आपको केवल समझा रहा था कि हमारा सब क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको फिक्स्ड कंपोजिशन चाहिए, दूसरा हमको कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है कि टेम्परेचर शुड बी अ कॉन्स्टेंट, फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सॉलिड फेस विदाउट एन अ इंटरमीडियम पेस्टी. मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब ये हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है कि हमारे पास कोई एक लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है, और वो लिक्विड सॉल्यूशन क्या हो रहा है, कूल हो रहा है, जब वो कूलिंग कर रहा है और आपका कंपोजिशन फिक्स्ड है और कांस्टेंट टेम्परेचर है, सो एट दिस केस वी आर आइडेंटिफाइंग द टू और मोर सॉलिड फेस. और यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, जो सॉलिड फेस होंगी वो दो या दो से ज्यादा होंगी, ठीक है ना, विदाउट एनी इंटरमीडिएट पेस्टी, मतलब बीच में किसी भी और नई चीज के आए बिना. सो व्हाट वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग टू और मोर फेस, ठीक है, हमको दो या दो से ज्यादा फेस मिल जाती है, ठीक है ना. अब आप क्या करो, अब आप इसी प्रोसेस को यदि रिवर्स कर दो, ठीक है ना, अब आप इसी प्रोसेस को रिवर्स करोगे तो आपको बाकायदा क्या मिलेगा, वो लिक्विड सॉल्यूशन मिलेगा. तो यहाँ पे दिया गया लिक्विड सॉल्यूशन विच वी हैव, सो दिस इज सिंपल इज कॉल्ड द यूटेलिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी मटेरियल विच वी आर यूजिंग, ठीक है ना. आप लोग ने एक डायग्राम पढ़ा होगा जिसको बोलते थे आप लोग आयरन कार्बन डायग्राम, क्या हम लोग निकल कार्बन डायग्राम डिस्कस कर सकते हैं, क्या हम लोग कॉपर कार्बन डायग्राम डिस्कस कर सकते हैं, क्या हम लोग जिंक कार्बन डायग्राम डिस्कस कर सकते हैं, क्या हम लोग मैंगनीज कार्बन डायग्राम डिस्कस कर सकते हैं, ये बताइए, डिस्कस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सर पता नहीं, ये चीज तो हमने देखी, वही तो बात है, क्योंकि आपने क्या है जो अभी तक पढ़ा है वो केवल इसको डिस्कस किया है, केवल इसको डिस्कस किया. हम आयरन को क्यों फोकस करते हैं, हम आयरन को इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि हम मैकेनिकल वाले हैं और सबसे ज्यादा हमको क्या यूज होना है, आयरन यूज होना है. मैं आपको बताऊं ये भी बाकायदा डिस्कस होता है, ये भी डिस्कस होता है, ये भी डिस्कस होता है और ये भी डिस्कस होता है. मतलब जैसे आपने आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ा था, सेम एज इट इज आप निकल कार्बन डायग्राम भी पढ़ेंगे, ऐसे सब डायग्राम होते हैं और हर एक डायग्राम में जब ये मिक्स होंगे टेम्परेचर रेंज पे, आप क्या कर रहे हो, आप यही कर रहे हो ना कि आप एक ग्राफ ले रहे हो और ग्राफ में आप टेम्परेचर लेते हो और क्या लेते हो, कार्बन का परसेंटेज, बट बीच में क्या रहता है, अब बीच में आपने क्या लिया है, बीच में तो आपने वो मटेरियल लिया है ना जिसके ऊपर उसको करना है, दिस इज द मटेरियल व्हिच वी आर चूजिंग, दिस इज द मटेरियल, तो इस पे
आपको कौन सी अलग अलग फेज मिलेंगी, ठीक है, उन अलग अलग फेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो रिप्रेजेंटेशन वाली बात होती है। तो हमारा जो कोर्स है वो कोर्स हमारा केवल हमको इतना ही अलाउ करता है कि इतना डिस्कस करें केवल, इतना। बट जब आप मास्टर्स करते हैं मटेरियल पे, आप फर्दर पीएचडी करते हैं मटेरियल के ऊपर, तब ये सब डिस्कस किए जाते हैं, क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट है, ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं कि जो लर्निंग रहती है वो लर्निंग को गेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक। सो दिस इज सिंपली इज कॉल्ड अ यूटेटिक प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया, सेम आप उस प्रोसेस को क्या कर रहे हो, एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये बोला कि ड्यूरिंग अ यूटेटिक टेम्परेचर रेंज मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ कोई भी रिस्पेक्टेड मटेरियल, ठीक। तो ये डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम देख के आप समझिए। आप देखिए डायग्राम आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं स्क्रीन पे आप लोग को शेयर कर देता हूँ। सो आप यहाँ पे ये देख रहे हो इस डायग्राम के केस में कि जो हमारी रिस्पेक्टेड रिएक्शन है वो रिस्पेक्टेड रिएक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिस्पेक्टेड रिएक्शन हमारी रिप्रेजेंट कर रही है, आपको स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर, दिख रही। तो हमने यहाँ पे क्या किया एक्चुअल में, यहाँ पे आप ये जो वर्ड यूज करो ना, अल्फा एंड बीटा। So what is this alpha and beta? This alpha and beta is called state. जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, आप लोग ने आटा लिया, मतलब तो जब हम रोटी बनाते हैं तो रोटी कैसे बनती है, रोटी बनती है आटा लेते हो आप, आटे में पानी ऐड करते हो, उसका एक लिक्विड बनाते हो, सॉरी लिक्विड से एक सेमी सॉलिड सोल्यूशन बनाते हो, जो आटा गूंथ लेते हो ना, तब वो क्या है, सॉलिड सोल्यूशन है कि सेमी सॉलिड है? सेमी सॉलिड है सर। बिल्कुल सही, वो आपको सेमी सॉलिड सॉल्यूशन मिलता है। अब वो सेमी सॉलिड सॉल्यूशन को जब आप पतली पतली रोटियों में बनाते हो और हीट देते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड सॉल्यूशन में। जो आपकी रोटियां रहती है वो सॉलिड रहती है, सेमी सॉलिड रहती है? सेमी सॉलिड में रहती है। सेमी सॉलिड रहती है, सॉलिड रहती है, रोटी रहती है सर सॉलिड में, और जो गोले बनाते हैं सर वो रहती है सेमी सॉलिड। बिल्कुल सही, जो हमारे पास जो रोटी आती है वो आती है सॉलिड फॉर्म में। अब आप बोल रहे सर वो तो मुड़ रही है, तो आप तो ऐसे ही बहुत पतली स्टील की प्लेट लोगे या बहुत पतली स्टील की स्ट्रिप लोगे तो वो भी मूव होगी, मगर वो सॉलिड है, वो लिक्विड नहीं है, मूवमेंट इज अ डिफरेंट थिंग एंड द अमाउंट ऑफ लिक्विड इज डिफरेंट थिंग। तो आपने देखा एक आटा था, आटे में आपने पानी ऐड किया, एक अलग स्टेट आई, पर आपकी एक अलग स्टेट आई, मतलब हमको क्या करना था, एक रिजल्ट गेन करना था, दिस इज कॉल्ड टू गेट अ रोटी। और इस रोटी को गेट करने के लिए हमने कैसे गेहूं लिया, उसको पीसा, पीसने के बाद मतलब सॉलिड आपके पास सबसे पहले था गेहूं, अब आखिरी में आपको रोटी मिल रही है गेहूं, वो भी सॉलिड, सॉरी रोटी मिल रही है वो भी सॉलिड है, तो सॉलिड को सॉलिड कन्वर्ट करने के लिए बीच में इतनी सारी प्रोसेस क्यों करी? बीच में इतनी सारी प्रोसेस इसलिए करी क्योंकि हम उसकी प्रॉपर्टी चेंज करना चाह रहे थे। गेहूं जो आपके पास अवेलेबल है वो उस प्रॉपर्टी में यूजेबल नहीं है। जो आयरन आपको ओर के फॉर्म में मिलता है वो आपको उस फॉर्म में यूजेबल नहीं है, और दिस यू वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द स्टील, स्टेनलेस स्टील, हाई स्पीड स्टील, है ना। तो हमको कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग प्रोसेस करनी पड़ रही है, इसलिए हम कार्बन ऐड कर रहे हैं, ठीक। तो चूंकि आपको क्या मिला, यहाँ पे एक स्टेट मिली, स्टेट मतलब अवस्था, जैसे मैंने बोला आटा, अब मैंने क्या ऐड कर दिया, एक आटा स्टेट हो गई और दूसरा मिल गया मुझे पानी। जब मैंने आटे को पानी से मिलाया, ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हमने क्या लिया, ए लिया, ए मतलब जो भी लिया आपने मटेरियल था आपके पास, जब ए आपके पास जो भी मटेरियल था वो कितना था आपके पास, 100% था। जब आपके पास ए 100% था तो जैसे आप धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, आप देखिए डायग्राम में जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, इसको टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो ए आपके पास था वो किस स्टेट में था, अल्फा स्टेट में था, मतलब मेरे पास जो गेहूं था वो किस स्टेट में था, आटे वाली स्टेट में था। अब मैं जैसे जैसे उसमें पानी ऐड कर रहा हूँ, पानी मतलब यहाँ पे मैं टेम्परेचर रिड्यूस कर रहा हूँ, मैं केवल समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, आपको समझाने के